आप कैची न्यूज बनेगा आपकी आवाज, पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू, नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए एचटी। नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ एचटी न्यूज में। और एचटी न्यूज में आज सच की तह तक में आपको दिखाएंगे होली मिलन समारोह में ई रिक्शा चालक यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री ने जो बयान दिया और उसके बाद जो ई रिक्शा चालकों ने अपनी आप बीती बताई, अपनी पीड़ित कहानी जो उन्होंने हमसे बयां की। देखिए पहले हमारे संवाददाता की एक खबर। अग्रम भाई जिंदाबाद, अग्रम भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अग्रम भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय यूनियन जिंदाबाद, विजय यूनियन जिंदाबाद। तो अपना परिचय देते हुए बताइए, जो आज होली मिलन समारोह रखा गया ई रिक्शा चालक यूनियन, तो ये किस प्रकार से अपने चालकों को ई रिक्शा यूनियन को होली मिलन समारोह की बधाई देंगे? देखिए, आज जो होली मिलन समारोह हमने किया है वो ये संदेश देने के लिए किया है कि हम भाईचारा कायम रखना चाहते हैं और भाईचारा के रास्ते पे ही चल करके अपने ई रिक्शा चालकों को एकजुट करके उनके संगठन की लड़ाई और उनके आर्थिक लड़ाई, उनके उनको मजबूत करने के लिए, उनको आर्थिक तरीके से मजबूत करने के लिए, उनके परिवार को आर्थिक तरीके से मजबूत करने के लिए, उनके जो घरेलू हालात हैं उन पर भी यूनियन काम कर रही है। इसलिए समय समय पर इनको बुला करके और हम मीटिंगें करके अपने जो है इनको रखते हैं कि आपको किस तरीके से हम जो है आपको सहयोग कर सकते हैं, किस तरीके से हम आपके बीच में काम कर सकते हैं और कितनी किस तरीके से आपके बीच में लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं या आगे लड़ना पड़ेगी हम लोगों को। तो इस होली मिलन समारोह में क्या कुछ आपके संगठन के पदाधिकारी भी मनोनीत हुए हैं? हाँ बिल्कुल, आज हमारी जो है रानी लक्ष्मीबाई कमेटी का गठन हुआ है, इंदिरा नगर का गठन हुआ है कमेटी का, और बालू अड्डा कमेटी का गठन हुआ है, तीन कमेटियों का गठन हुआ है जिसमें 11-15 आदमियों के पदाधिकारी बना करके उनको कमेटी का जिम्मेदारी दी गई है। होली मिलन के शुभ अवसर पर मैं ई रिक्शा चालक यूनियन की तरफ से सलीम खान कोषाध्यक्ष होली की मुबारकबाद देता हूं लोगों को। मेरा कहना यही है कि ई रिक्शा चालक की तरफ से जो भी कार्य हो रहा है ई रिक्शा चालक के लिए और जो भी उनकी समस्याएँ हैं, चाहे वो घरेलू हों या उनकी खुद की पर्सनल हो, तो मेरा संदेश यही है कि ई रिक्शा चालक के यूनियन की तरफ से हर तरह की मदद उनको मिलेगी और हम लोग तैयार हैं। किसी तरह की भी कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है उनके परिवार के अंदर या उनके बच्चों के अंदर या उनके घर की कोई समस्या है तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं बिल्कुल। और यूनियन कार्य कर रही है, सभी इसी में, इसमें जितने भी पदाधिकारी हमारे हैं, जितने भी पदाधिकारी यूनियन के कार्यकर्ता हैं, सब लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो है आगे भी हम करते रहेंगे इस तरह से। तो मेरा जो है यही कहना है कि रिक्शा यूनियन को मजबूत करें। मैं सुरेंद्र कुमार पांडे और एक अवकाश प्राप्त इंजीनियर हूं और अब पेंशन या अवकाश पा जाने के बाद कोई टेक्निकल जिम्मेदारी न रह जाने के बाद मैं अपना समय जो सबसे नीचे का तबका है, गरीब तबका है, जिसे ई रिक्शा चालक कहते हैं, उसका हमारे भाई कामरेड अकरम ने उनके उन चालकों की एक यूनियन बनाई और ये उनका होली मिलन समारोह आज संपन्न हुआ है और कई ब्रांचों का आज जो है वो गठन भी हुआ है। उनके अध्यक्ष और ब्रांच के दूसरे सदस्य मंत्री बनाए गए हैं। इस अवसर पर क्या शुभकामनाएं देंगे अपने कार्यकर्ताओं? हम अपने सभी मजदूर ई रिक्शा चालक भाइयों से हमारा ये अनुरोध है कि इस त्योहार को
अभी हम और अकरम भाई दोनों अगल बगल बैठे हुए हैं। मैं सवर्ण ब्राह्मण हूँ और ये पठान परिवार से, मुस्लिम परिवार से आते हैं। हम दोनों होली मिलन कर रहे हैं और ये आज कोई अजूबी नई बात नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में जब नवाब लोग थे, जब मुगलिया सल्तनत थी, जब उसके आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर थे, तो वो अपनी पूरी जनता के साथ मिलजुल कर रहते थे। उनका 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 जो है गार्जियन बन कर के रहते थे और उनके बीच घूम करके उनके हर तीज त्यौहार में साथ रहते थे। त्यौहार हमारा जो है हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई में नहीं बटा हुआ था और हम अपने गरीब ई रिक्शा चालक भाइयों से कहेंगे कि वह जो है इस त्यौहार को अपने हर धर्म के गरीब भाई के साथ मिल करके मनावे। अकरम भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकरम भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अकरम भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो है पैसा वसूली होता है, हम लोगों को सवारियाँ उतारने में भी परेशानी और लेने में भी परेशानियाँ हो रही हैं। मुंसिपुलिया तकरोही रोड पर भी हो रहा है और पानी गांव रोड पे भी हो रहा है मस्जिद की तरफ। ट्रैफिक पुलिस वसूली करती है कि आपकी? नहीं, पुलिस तो खैर खड़े नहीं होने दे रही है, लेकिन हाँ हम लोगों को और जो वहाँ के कुछ लोग हैं जो है वो लोग वसूली कर रहे हैं। किस तरह के लोग? 30 रुपए लेते हैं, खड़े हो तो दो, ना खड़े हो तो दो, गुंडेगर्दी करते हैं। है वो लोग मौजूदा है वहाँ पर, जी रहते हैं वहाँ पर टैक्स के रूप में। जो है जो है हम जो है यहाँ उनका रिजवान नाम है, एक रज्जे नाम है। ये लोग थाने में तो थाने वाले उनसे जो है मिले हुए, कंप्लेन किया गया, लेकिन वो लोग जो है सुनते नहीं हैं। जो हम लोग का रिक्शा कहीं भी मुंसिपुलिया पे कहीं भी खड़े नहीं होने देते, अगर रिक्शा खड़ा हुआ तो डंडे लेके जो है मारने लगते हैं। जो है कि वहाँ के जो है गुंडे लोग हैं, पुलिस से मिली है, पुलिस की इंद्रनगर थाना लगता है, पुलिस की मिली भगत हुई जो है। कौन सा थाना लगता है? गाजीपुर थाना। तो कभी कंप्लेन की उच्च अधिकारियों के पास गए आप लोग? नहीं। कभी पुलिस के पास गए? नहीं नहीं, सुनवाई नहीं होती तो क्या करने के लिए जाएं? मतलब गए भी नहीं कभी? जहां ना मौजूद रहते सर, हमेशा आने पे क्या विरोध आप लोगों के साथ में? मारपीट भी करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज देते हैं, गाड़ी तोड़ देते हैं, बिल्कुल गाड़ी तोड़ देते हैं। अभी हमारी गाड़ी है खड़ी, एसपी देखिए क्या टूटा, छत टूटी हुई इसकी, डंडे मार मार के गाड़ी तोड़ी हुई है। तो कहीं रिक्शा खड़ा करने नहीं देते हैं। और ऑटो इंदिरा नगर से, ऑटो और विक्रम दोनों को तो सवारी भरने देते हैं, हम लोगों को नहीं भरने देते हैं। वो गुंडा टैक्स वसूली कर रहे हैं वही लोग, रिजवान है, रज्जे हैं, यही दो लोग। आप 10 लोग पे भारी हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किए हुए हैं। वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके रखते हैं, वो लोग वहाँ खड़े हैं, कुछ लोग वहाँ खड़े हैं, लेके डंडा दौड़ते रहते हैं, मारते रहते हैं, भगाते रहते हैं। मैं पंडित आनंद कुमार अवस्थी डिस्ट्रिक्ट हरदोई से आया हुआ हूँ और जो कलीम भाई ने बीड़ा उठाया है इन गरीबों के लिए, इसका शब्द बनता है कि सबको साथ लेके चलना और सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। ये गरीब गरीब लोग होते हैं, गरीब इसी तरह की अवैध वसूली आपकी भी क्षेत्र में होती है। ऐसा मैं चाहता हूँ कि कहीं पे हमारे माननीय जी ने कहा है कि कहीं पर कोई गुंडागर्दी, कहीं पर किसी प्रकार से, जी बताइए आपके संगठन ने इसमें क्या मदद की आपकी अवैध वसूली को रोकने में? अभी अभी तो कुछ नहीं हुआ, अब होने वाला है। अभी हम जुड़े हुए हैं नया, अभी हमारा तो अभी आज जुड़े हैं। हाँ आज ही हम इसमें जुड़े हैं, हाँ इसी वजह से समस्याएं हैं, इसी वजह से जुड़े हैं कि रिक्शा यूनियन सभी चीज को खत्म कर देगा। हाँ ये पूरा विश्वास है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, यदि आप सबका साथ लेकर चलना चाहते हैं तो इन गरीबों को आप इस तरीके से ना कुचलिए ताकि इनके परिवार में एक निवाला शाम को ना मिल पाए,
ये लोग दिन भर मजदूरी करते हैं, दिन भर गालियां सुनते हैं, रोड ट्रैफिक में एक बाइक वाला भी इन्हें परेशान करता है, हर तरीके से मजबूरियां उठाने के बाद अपने बच्चों को ये खाना ले जाते हैं। तो ऐसा ना करिए ताकि आने वाला समय, भुखमरी हमारे देश में तो होने वाली थी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम सब गरीब मिलकर के एक धरना दें, प्रदर्शन करें, हम मरने और मारने को तैयार हो जाएं। तो इन्हीं सब वजहों को लेकर आप सभी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यूनियन ज्वाइन किया है। हाँ, जी, जी। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे अराजक तत्व कर रहे हैं अवैध वसूली। ई रिक्शा चालक काफ़ी परेशान होकर के हमारे चैनल को जो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अराजक तत्व उनसे करते हैं वसूली, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई भी नहीं करता है कार्रवाई। तो एचटी न्यूज़ की सच की तह तक में जैसे हमने भी कसम खाई थी कि आपको वो सच दिखाते रहेंगे। ई रिक्शा चालक जिस पीड़ा से बीत रहे हैं, जहाँ वो अपनी रोजी रोटी के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं, कुछ पैसों का इंतज़ाम करते हैं और उसके बाद अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन ये न शासन न प्रशासन को कुछ नहीं दिख रहा है और पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे अराजक तत्व कर रहे हैं अवैध उगाही रुपयों की। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको भी है कोई समस्या तो हमें लिखना मत भूलिए।